कि मेरा स्कोर ग्रैंड मास्टर का है। तो आप लोग भी ग्रैंड मास्टर करना चाहते हो, आपके पास कोई स्क्वाड नहीं है, सोलो रैंक कुछ करना चाहते हो, तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे आए हो। और यहाँ मैं प्रैक्टिकली गेम प्ले करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे लैंड करना है, कैसे लूट करना है, कैसे इनमी पे रश करना है, कब आपको सर्वाइव करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे को फॉलो करना ताकि आपका भी रैंक ग्रैंड मास्टर का हो सके इजी पीजी। और इस वीडियो का लाइक टारगेट 70 लाइक है, सारे बंदे लाइक कर देना। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह का मैं टिप्स एंड ट्रिक और भी डालते रहूं और आपको सबसे फास्ट। फर्स्ट आपको मेरी तरह कैरेक्टर स्किल लेना है एंड्रयू, लिपिटा, मिसा, नेरी। और लोड आउट में सीक्रेट क्लू, सोलो में सीक्रेट क्लू बहुत जरूरी है। उसमें से आपको एक लॉन्च पैड मिल जाता है जो काफी मुश्किल टाइम पे काम आता है और 600 कॉइंस भी आपको मिल जाते हैं। 200 कॉइंस और कलेक्ट करोगे आप वेंडिंग मशीन से अर्सनल की खरीद सकते हो। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अर्सनल से आपको लेवल 4 का वेस्ट मिलता है जो काफी जरूरी होता है सोलो में, वो आप आगे वीडियो में देखना। यहाँ पे डब्बे को अनबॉक्स किया और यहाँ पे हमको मिल चुका है किंगफिशर। और थोड़ा लूट करके तब जाएंगे अपने सीक्रेट क्लू बॉक्स पे, क्योंकि लैंडिंग जो थी मेरी वो पीछे रह गई, मैं वो डब्बे पे उतर नहीं पाया। मेरे को AK-47 मिल चुका है और यहाँ पे मेरी सबसे फेवरेट गन M14 मिल चुका है। यार अब मजा आएगा इसको मैक कर खेलने में। और लेवल 1 का ये है, वो अभी ठीक ठाक पर लूट हो चुका है, वेस्ट आ चुका है, हेलमेट तो नहीं मेरे पास है। ये लेफ्ट में कुछ दिखा, क्या था ये? अरे ऐसे ही था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और जल्दी से सेक्रेट क्लू का बॉक्स खोलते हैं। और लेफ्ट रहते थे, कोई बंदा तो नहीं है ना? चलो कोई नहीं है अभी के टाइम पे। तो ऐसे ही आप लोगों को प्रॉपर लूट वगैरह करके तभी सेक्रेट क्लू का बॉक्स खोलना। सामने बंदा मेरे को स्पॉट हुआ, बाइक लेके है तो मैं जल्दी से यहाँ से बैठ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास हेलमेट वगैरह नहीं है और मेरे पास शॉर्ट रेंज का कोई गन भी नहीं है। बट ये बंदा मेरे को देखा नहीं, बाइक लेके निकल गया। और फटाफट आप डब्बा अपना खोल लेते हैं क्योंकि वहाँ पे लेवल 3 का वेस्ट, लेवल 3 का हेलमेट मिल जाएगा और एक लॉन्च पैड भी मिल जाएगा और 600 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बेहतरीन लूट हो जाती है एक बार बक्से को अनबॉक्सिंग करने पे। तो यहाँ पे मैं लूट करके जा ही रहा था कि मेरे को राइट में वो चमकता हुआ कुछ दिखा, तो मैं समझ गया यार कि वो 500 पॉइंट्स है, तो जल्दी बेटा उसको भी ले लेते हैं। कॉइंस और है यहाँ पे, इसको भी लूट लेता हूँ। टोटल मेरे पास 1300 कॉइंस हो चुके हैं, अभी 200 ये 1500 हो जाएंगे। तो मेरे पास 1500 कॉइंस है जिसमें से 800 में मैं अर्सनल की लेता हूँ और 500 में लेता हूँ चिप। M14 को लेवल 2 कर लिया। yes! मेरे को व्हीकल की आवाज आ रही है, सामने कहीं पे एनिमी है। अरे ये तो मेरे पास ही आ रहा है, उसने देख लिया क्या? यह तो असली में नहीं खोलने देगा। अरे अरे तो ऊपर, अरे ऊपर में चढ़ा तेरी तो बच गया। गाड़ी थोड़ी देर भाग ना पाई, ये गाड़ी टूट गई। पहले वॉल डाल के सेफ हो जाता हूँ, ये बहुत ज्यादा डैमेज है। अरे लॉन्चर से मर गया। दोस्तों कभी भी आप फाइट करो तो एक वॉल जरूर डाल देना, यहाँ पे मैं खुले में था इसलिए मैंने पहले वॉल डाला फिर बंदे को मारना शुरू किया, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना। वॉल डाल के इसका बॉक्स भी लूट लेता हूँ और चलते हैं अपने डेस्टिनी साइड। रेस भी कम थी तो इसको 4 KHP बढ़ा लिया। ओ LCP एनिमी, और ये लगता है इसके पास वेस्ट वगैरह नहीं था, अभी जस्ट ही लैंड होके आया था। और यहाँ पे व्हीकल्स भी है तो गाड़ी लेके फटाफट चलते हैं अपने मंदिर की तरफ। यहाँ पे लेवल 4 का वेस्ट हमको मिल चुका है और MP5 ZD मिल चुका है। देखिए मेरे पास पॉइंट्स 500 हैं, अब सोच रहा हूँ इसको M14 को जेट कर लेता हूँ वेंडिंग से। जोन गंदा काट रहा है, मिड विडी मार के निकलते हैं फटाफट यहाँ से। और वेंडिंग से यहाँ पे लेता हूँ एक चिप और M14 करता हूँ मैक्स। दोस्तों अभी तक जो मैं काम किया अपने ऊपर किया, मैंने वेस्ट बढ़िया वाला लिया, हेलमेट लिया, गन बढ़िया वाला लिया और अब टाइम आ गया है युद्ध करने का, यानी कि एनिमी को मारने का। तो आप लोग पहले खुद पे काम किया करो, खुद एक दो एनिमी को आराम से हैंडल कर लो। तो यहाँ पे एक बंदा मेरे को स्पॉट हुआ और इसको मैंने विकल्प से ये उड़ाया जो उनके अंदर ये घूम रहा था और फिर से इसको उड़ाऊंगा। बड़ा चतुर बंदा था ये, अभी तुम देखना आगे।
का बिल्कुल निकल नहीं रहा, और मैंने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ से रस करने की कोशिश किया, इतना चलना था कि मेरी गाड़ी लेके मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला, जैया पाएंगे उसकी। और पीक से भी कोई एनिमी मार रहा है। अब यहाँ पे सीक्रेट क्लू का फायदा मिलेगा जिससे मेरे को लॉन्च पैड मिला था, और इसलिए बोलता हूँ सीक्रेट क्लू सोलो में मोस्ट कंपल्सरी है। तो आपको गाड़ी नहीं छोड़ना है, याद रखना है गाड़ी लेके ही चलते रहना है। तो यहाँ मेरे को गाड़ी दिखा, क्योंकि आप पैदल चलोगे तो ऐसे बाइक वगैरह कोई भी आपको उड़ा के और उसके बाद आपको आके रस करके मार देंगे। तो गाड़ी बिल्कुल नहीं छोड़ना है सोल में कभी भी। और अब चलते हैं जोन के साइड, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ क्लॉक टावर के साइड। ऊपर कुछ इनमी फाइट कर रहे हैं तो फ्रैगिंग करने की कोशिश करेंगे। गाड़ी साथ नहीं छोड़ेंगे हम, साथ ले लेके चलेंगे ताकि इससे भागने के बाद भी दिक्कत नहीं होगा जोन के साइड। बंदा ऊपर है तो नेट फेंकते हैं, ऊपर बंदा नहीं है, अगर होता तो भागता, मेरे को फुटस्टेप आया था। तो मोस्ट कंपलसरी है कि आप लोग हेडफोन या ईयरफोन लगा खेला करो। और यहाँ फाइनली सर्वाइव करते करते टॉप 10 में आ चुके हैं हम, अभी टॉप 8 बंदे बचे हैं। तो ऐसे आपको भी करना है अगर रैंक प्लस करना है तो। यहाँ पे रुक के यहाँ से किल निकालने की कोशिश करते हैं, पीछे एक वॉल डाल देता हूँ, और व्हीकल्स मेरा टारगेट ज़्यादा रहेंगे तोड़ने का, कि बाद में ही मुश्किल हो जाएंगे। एक टूट गया, बहुत ज़्यादा डैमेज है, परेशान कर दूंगा जब तक मर ना जाए, क्योंकि तभी पोजीशन निकलेगा। कितना वाल है भाई, टूटे गाड़ी पे छुपा है, उसका हल्का हल्का हेड दिख रहा था ये। अरे यार नहीं रहा यार, कौन हंस रहा है भाई, एक बाइकर आ गया, मजा आएगा। गंदा डैमेज है वो, आप मजा आएगा। ये निकल जा बाहर, ये बढ़िया किल मिल गया यहाँ पे, ओपी वाले फ्रैगिंग किया। नीचे आते फटाक से वाट लगे, बंदे चारों तरफ से मेरे को ही देख रहे हैं। आप राइट है, बंदे हैं दो, अरे मेरे वाल के पीछे पड़ गए। अरे दोस्त नहीं लगाए, इतनी आसान नहीं टूटेगा, नहीं गद्दा मार रहा है, वाल टूटने वाला है, रुक जा, हेड देता हूँ इसको। दिख नहीं रहा बट शायद विंडोज मार रहा है, ताली बजा दूँ, ये भाई बहुत देर से मेरे को दिख रहा है। ये कैनवी सीधा खड़ा है और इसको यहाँ पे जाके बढ़िया वाला हेड लगा, और यहाँ पे मेरे 4 किल हो चुके हैं। यहाँ मॉन्स्टर ट्रक में बंदा है, वो पक्का मेरे को उड़ाने आएगा, हाँ आ रहा है। और फटाक इसी गाड़ी में बैठ लेता हूँ, ये ट्रिक आप भी अजमाया करो, कि वाल को तोड़ने वाले मॉन्स्टर ट्रक थोड़ी सी स्लो हो जाती है, अब उसके बाद आप उसे बैठ सकते हो। और हाँ, कुछ ओवर स्मार्ट एनिमी आपको जोन में भी डाल सकते हैं गाड़ी से, इसलिए मैं सेफ जोन उतर गया और एक वाल डाल के खुद के लिए कवर बना लिया। मॉन्स्टर ट्रक वाले ने बंदे को उड़ा दिया, 1v1 मचा है, गाड़ी तोड़ देता हूँ, इसे मैं उड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बच गया मैं। बहुत समझदार प्लेयर है, वाल डाल के कवर बना लिया पहले। तो जब भी 1v1 फाइट होता है बी आर रैंक में, तो हमारी धरोहर है, वो भी नेट फेंकेगा, मैं भी नेट फेंकूंगा, फ्लैश भेजा गया, वगैरह बरसात होगी, वही हुआ हमारा। अरे बाप रे, मैं एक डिस्टेंस मेंटेन, और यहाँ पे खतरनाक वाला हेड शॉट मार के कर लिया है, बोया बोया बोया। चलो फिर दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो पे। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।